गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5। लास्ट डे 4.4 तक हुआ था। आज हम लोग HCF फाइंड करना सीखेंगे डिफरेंट मेथड से। एक्सरसाइज 4.5 में कुछ 3 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे तीनों में HCF निकालना है लेकिन डिफरेंट मेथड से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में HCF निकालना है लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड से, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी HCF निकालना है लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना। तीनों में एक ही चीज निकालना है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखें। क्वेश्चन नंबर ए आप अपने बुक में देखें, पेज नंबर 59 में एक्सरसाइज 4.5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए देख लीजिए, 32 एंड 40 दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं अलग अलग। 32 का 2 से डिवाइड किया 16 आया, फिर 16 को 2 से डिवाइड किया 8 को 2 से डिवाइड किया 4 को 2 से डिवाइड किया 2। अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद प्राइम फैक्टर है ना। तो ये 32 का हो गया, 32 का ये फैक्टर हुआ, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 2 into 2 into 2 into 2 into 2। 5 2 है, 1 2 3 4 5। 32 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 into 2 into 2 into 2, 5 टाइम्स हमने लिख दिया है। इसी प्रकार से 40 का निकाले, 2 से 20 आया, फिर 2 से 20 को डिवाइड किया 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 40 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 5 है ना। अब ये दोनों में देखिए कि क्या कॉमन है, देख लीजिए 2 जो है दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है, इसके बाद कोई ऐसा नहीं है जो कि दोनों में हो, है ना। केवल 3 2 ऐसे हैं जो कि ये दोनों में है। तो इन सबको हमने उतार लिया, इसको यहाँ देखिए उतार लिया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो 2 into 2 into 2, 2 2 4 2 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे 3 नंबर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जी में देखिए 8 36 45, 3 नंबर से तीनों का इसी प्रकार से अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर और इसी तरह से लिख लेंगे और देखेंगे तीनों में कौन कौन कॉमन है। जो जो कॉमन होगा उसी को हम लोग रख लेंगे, है ना, लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर करके आंसर ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड है ना, कॉमन डिवीजन मेथड, और इसमें क्या अंतर है, इसमें हम लोग अलग अलग करते हैं और इसमें एक साथ कर देते हैं, बस इतना ही फर्क है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए 70 एंड 112, इसको हमने लिख लिया, ये दोनों 2 से डिविजिबल है। सबसे पहले 2 से ही शुरू करते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, तो 2 से हमने डिवाइड किया 35 आया, इसको किया 56 आया, इसके बाद इन दोनों को 7 से, हाँ इन दोनों को देखें 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड ये दोनों नहीं होगा, तो 7 से ये दोनों डिवाइड हो जाते। तो हमने 7 से इसको डिवाइड किया, 7 5 या 35 7 8 या 56। अब HCF क्या होगा, तो HCF सिर्फ ये वाला होगा, है ना, HCF जो कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर देख लीजिए, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है 2 into 7, HCF is equal to 2 into 7 40, यही हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लॉग डिवीजन मेथड। लॉग डिवीजन मेथड में बहुत सारा मैथ बनाने का है, 2 नंबर्स का भी है। क्वेश्चन नंबर ए में 2 नंबर है 65 एंड 91, क्वेश्चन नंबर ई में 350 600 1025। तो हमने ई बनाया है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है तो ये बनाया है ताकि 2 नंबर वाला तो आप आसानी से बना लेंगे यदि इसको समझ लीजिएगा तो, ठीक है। तो देखें तो ये 3 नंबर्स हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ई में, तो सबसे पहले इन दोनों का 2 नंबर का निकालेंगे HCF 350। फर्स्टली वी फाइंड HCF ऑफ 350 एंड 600, इन दोनों का निकालेंगे। तो ये बड़े नंबर को हम डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, डिवाइड किया 1 टाइम 350, माइनस किए रिमाइंडर निकाले, ये 250 आया। अब इस 350 को यहाँ हमने लिख दिया और 250 से उसको डिवाइड किए 1 टाइम, 100 रिमाइंडर बचा। अब इस 100 से इस 250 को डिवाइड किए, इसी प्रकार से हम करते जाएंगे, बार बार रिमाइंडर से
पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करने का काम करेंगे। तो 100 से 2 टाइम्स 200 ये 50 बचा, फिर इस 100 को हमने यहाँ लिखा, 50 से डिवाइड की 2 टाइम्स, ये पूरा पूरा कट गया। ये काम हम तब तक करते हैं जब तक ये रिमाइंडर बिल्कुल जीरो ना हो जाए, कट बिल्कुल कट ना जाए, है ना। और जब ये कट जाए तो ये जो है लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो ये 50 आ गया HCF, किसका, इन दोनों का, 350 और 600 का HCF आ गया। तो अब इस 50 का और ये थर्ड नंबर जो ये दिया हुआ है 1025, इन दोनों का हम निकालेंगे HCF, 50 ये वाला और 1025 ये थर्ड नंबर जो है, इन दोनों का HCF हमने यहाँ देखिए निकाला, 50 से डिवाइड किए 2 टाइम्स 100, ये 2 रिमाइंडर बचा, इस पर ये 5 कॉपी नोट किए, ऊपर वाला 5 ये लिखे, यहाँ पे 25 हो गया। अब इस 50 को हम यहाँ पे रख करके 25 से डिवाइड किए 2 टाइम्स, 50 यहाँ कट गया। जब कट गया तो हमारा ये जो लास्ट डिवाइजर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए HCF निकल गया 25, ये आंसर हुआ।